Hello dear students, hope you all are well. Today we are going to start chapter number 2, acid, bases and salt. In this video we will look into the complete explanation of text book. Okay, so let's start acid, bases and salts. You have learned in your previous chapters what that the sour and bitter test of food are due to acid and bases respectively. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो सॉर टेस्ट होता है खट्टे होते हैं या जो कड़वे होते हैं वो या तो एसिड होते हैं या बेस होते हैं, है ना. इफ सम इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर कोई ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ए रेमेडी फॉर एसिडिटी, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सोल्यूशन. सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, तो आप डेफिनेटली उसको बताएंगे कि बेकिंग सोडा इज़ द बेस्ट वन फॉर द एसिडिटी, लेकिन आपने किस बेस पे उसको बताया कि बेकिंग सोडा सही है. श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू न्यूटिफाई ईच अदर्स इफेक्ट. तो ये हमने इसलिए देखा कि एसिडिटी है तो डेफिनेटली हमें क्या लेना चाहिए, बेसिक सोल्यूशन लेना चाहिए, तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक नेचर का होता है. तो ये नॉलेज जो है, क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट वाटर बनाते हैं, और ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो सिमिलरली रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम. You already know that acid are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter in taste and change the color of red litmus to blue. हम जानते हैं कि जो acids हैं वो blue को red में change करते हैं और जो bases हैं वो red को blue में change करते हैं. Litmus is natural indicator. Litmus एक natural indicator है, lichen से इसको extract करते हैं. Turmeric is another such indicator. और ऐसे ही turmeric एक नेचुरल इंडिकेटर है. हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लोथ्स बिकम्स रेड इज ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट. जब हमारे कपड़ों पे, वाइट कपड़ों पे कोई करी गिर जाती है तो हम उसको जब धोने के लिए डालते हैं तो जैसे ही हम उसको सोप सोल्यूशन में भिगोते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि करी में डेफिनेटली टर्मरिक होता है और सोप सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का होता है, तो टर्मरिक चेंजेस इनटू रेड, येलो टू रेड व्हेन बेसिक सॉल्यूशन इज एडेड. तो दैट इज़ व्हाई इट हैपन, इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. You can also use synthetic indicators such as methyl orange, phenolphthalein to test for acid and bases. हम indicator use कर सकते हैं acid और base को use identify करने के लिए. In this chapter, we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancel out each other's effect and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कि एसिड और बेस अपने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज़ करते हैं और हमारी डेली लाइफ में उनका क्या यूजेज है. एक यहाँ पे नॉलेज बॉक्स है, आपको लिटमस सॉल्यूशन इज़ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, दैट इज़ द प्रीवियस नॉलेज. अ प्लांट बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा एंड इज़ कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. अच्छा, ये याद रखेंगे कि जब न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तो उसमें लिटमस का कलर होता है पर्पल. There are many other neutral material like red cabbage, natural material like red cabbage leaves, turmeric color petals of some flowers such as hydrangea, tunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in the solution. These are called acid-base indicator or sometimes simply indicator. तो ऐसे और भी example हैं जिनको हम acid-base indicator कह सकते हैं, और indicator अकेला कहेंगे तो भी चलेगा. अब एक question यहाँ पर आपको दिया हुआ है, you have been provided with three test tube, one of them contain distilled water, another two contain acid or basic solution respectively. If you are given
ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ यू विल आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आपको सिर्फ रेड इंडिकेटर दिया हुआ है और तीन सॉल्यूशन दिए हुए हैं, यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। तीन सॉल्यूशन दिए हुए हैं, है ना, एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन है। आपको नहीं पता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, बेसिक है और न्यूट्रल है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। तो अच्छा, अब हम अपने प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं। हमको पता है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। ये हमें पता है, हमारे पास रेड इंडिकेटर है। हम इस रेड इंडिकेटर को वन बाय वन तीनों में टेस्ट करके देखेंगे। जिस सॉल्यूशन में ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा, वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने तीनों सॉल्यूशन को जब टेस्ट किया रेड लिटमस पेपर से, तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो गया, उसमें जो रेड लिटमस पेपर है चेंज हो गया ब्लू में। तो ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये हो गया आपका बेसिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे कि फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने रेड लिटमस पेपर को इसने चेंज कर दिया ब्लू में। अब हम ये ब्लू लिटमस पेपर को इन दोनों सॉल्यूशन से क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। जिस सॉल्यूशन में कलर ब्लू टू रेड हो जाएगा, मान लीजिए सेकंड सॉल्यूशन में कलर ब्लू से रेड हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, और जो तीसरा बचा है वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसके अलावा हम एक और स्टेप कर सकते हैं कि जब हमने पहले रेड लिटमस पेपर को तीनों से टेस्ट किया, जिसमें ये ब्लू में चेंज हो गया, वो बेस हो गया। अब हमने बेस को एक तरफ रख लिया और इसमें एक एक करके दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया। पहले सेकंड सॉल्यूशन ऐड कर लेते हैं, फिर थर्ड सॉल्यूशन ऐड करके देखते हैं। जिस सॉल्यूशन में जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस जब मिलाते हैं तो कंटेनर गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, कंटेनर अगर हीट हो जाता है जिस सॉल्यूशन को ऐड करने पे, वो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिड, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो इन दोनों तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंटेनर में एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नाउ होप यू अंडरस्टैंड, लेट्स मूव अहेड। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, यहाँ पे कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे सैंपल आपको लेबोरेटरी में मिल जाएंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर एज शोन इन टेबल नंबर 2.1। व्हाट चेंज इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। तो क्या क्या आपको चेंजेस आएंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, हमें ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर तो पता है। फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड में कलरलेस होता है, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन से मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये पिंक हो जाता है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज जब एसिड में डालते हैं तो ये हो जाता है रेड, लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ये येलो कलर हो जाता है। और इसको कंफर्म कर लेते हैं। ओके, सो मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस में येलो कलर में चेंज हो जाता है, फिनेफ्थलीन जो है पिंक कलर में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और चेंज इन कलर। दे आर सम सब्सटेंस हुज अदर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे वनीला या ऑनियन या क्लोव ऑयल लेंगे, तो इनके एसिडिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल रहती है, दे रिमेन्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन। वेयर एज जब हम इनको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसकी इनकी जो स्मेल है वो लूज कर जाती है, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड
ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर यानी ये हमें स्मेल से बताते हैं कि वेदर इज सब्सटेंस इज एसिडिक बेसिक और बेसिक. ओके नेक्स्ट इज हेयर वी कैन सी दे आर द एग्जाम्पल हेयर इट इज गिवन वी हैव डिस्कस. नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल. एसिड और बेस जो है वो मेटल से कैसे रिएक्ट करता है तो हम देखेंगे कि एसिड और बेस में मेटल की क्या रिएक्शन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेटअप दिस सेटअप. ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेटअप. यहाँ पे हमने वी हैव टेकन ए टेस्ट ट्यूब. इन द टेस्ट ट्यूब व्हाट वी हैव टेकन द सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड लिया है H2SO4 H2SO4 और इसमें हमने ऐड कर दिए हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको हमने ऐड कर दिया. तो एर्थ में आपने पढ़ा हुआ है ये रिएक्शन क्या होगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा. जिंक सल्फेट बनाएगा जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है ना. और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करेगा. तो वही रिएक्शन यहाँ होगी. हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इट इज़ कलेक्टेड बाय दिस टेस्ट ट्यूब डिलीवरी ट्यूब एंड देन इट इज़ कम्स फ्रॉम दिस डिलीवरी ट्यूब टू हेयर. हेयर वी विल ब्रॉट अ कैंडल बर्निंग कैंडल. एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे. जैसे ही बर्निंग कैंडल इस गैस के कॉन्टेक्ट में आएगी हमें एक साउंड सुनाई देगा पॉप साउंड. इट जस्ट लाइक व्हेन यू आर ओपनिंग द लिड ऑफ ए बॉटल विद अ ओपनर. ओपनर से जब आप थम्स अप या कोक वगैरह ओपन करते हैं तो उसमें जो आवाज़ आती है दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड. तो ऐसे ही आवाज़ हमें यहाँ पे सुनाई देती है. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. हियर वी विल सी नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस. The metal combine with the remaining part of the acid and form a compound called the salt. Thus the reaction of metal with an acid can be summarized as. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एसिड की रिएक्शन है मेटल से वो इस तरह से होती है कि एसिड when react with metal forming salt and hydrogen gas is evolved. Let's have next activity that is place a few pieces of zinc granule metal in a test tube 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. अब हम क्या करेंगे बेस के साथ जिंक की रिएक्शन करेंगे. जिंक एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज वट इज फॉर्म्ड. क्या बनेगा. दिस इज सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. यानी कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जब बेस मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है. लेकिन यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन. हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स. तो ये जो रिएक्शन है सारी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती हैं राइट. और इसमें आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स टाइप का सॉल्ट बन रहा है. ये जो सोडियम जिंकेट है इसमें दो मेटल इन्वॉल्व हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सॉल्ट है. नेक्स्ट देख लेते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड. अब देखेंगे कि मेटल की जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या रिएक्शन होती है. यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया. इन दैट अरेंजमेंट व्हाट वी हैव टेकन डाइल्यूट HCl राइट एंड सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट लिया है और डाइल्यूट HCl लिया है. लेट्स सी द रिएक्शन. सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl से होती है देन क्लोरीन और सोडियम सोडियम क्लोराइड बनाएगा. वाटर बनेगा और एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ठीक है सोडियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है. इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू कलेक्ट किया डिलीवरी ट्यूब में और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने एक सॉल्यूशन लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम. स्लैग्ड लाइम में जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही है इसको पास कराते हैं तो स्लैग्ड लाइम जो है ये मिल्की कलर मिल्की हो जाता है यानी दूधिया हो जाता है. अच्छा ये कैसे होता है ये रिएक्शन भी देख लेते हैं. ये है स्लैग्ड लाइम यानी लाइम वाटर को हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो हमारे पास मिल्की कलर यानी कि मिल्की वाइट कलर अपीयर हो जाता है. और ये होता है किसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का.
ओके, सो दिस इज ऑल द दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन एंड सेटअप. अच्छा, यही रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट से करेंगे तो क्या होगा? तो भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट होंगे. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. अच्छा, अब इस रिएक्शन में आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है, ठीक है, अगर हम इस पर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो हमें यहाँ से मिल ही गया है ना, ये हमारा प्रोडक्ट था. अब हम और ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में और फॉर्म कर लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और मिल्की कलर जो अपीयर हुआ था वो डिसअपीयर हो जाएगा. अच्छा, लाइमस्टोन चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो चाक में, लाइमस्टोन में, मार्बल में, इन सब का एक ही फार्मूला होता है, कंपोजिशन एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. तो जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं, है ना, ये मेटल बाइकार्बोनेट हैं, ये एसिड से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे चलते हैं. मेटल का, अच्छा, इसकी एक जो स्केलेटल है वो इस तरह से बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा. ये हमें याद रखना है. ठीक है, अब देखते हैं हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. अब एसिड और बेस क्या करते हैं आपको पता है, न्यूट्रल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस. यहाँ पे एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एक एसिड ले लिया, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना. यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है और वाटर फॉर्म कर रहा है. ये इसकी स्केलेटल रिएक्शन हो जाएगी. अच्छा, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, साथ ही ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है. अच्छा, अब देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कैसे होती है. तो मेटल ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है. अच्छा, यहाँ पे भी हमने क्या देखा था, यहाँ पे भी आप देखोगे इस रिएक्शन में, यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे भी एसिड है, यहाँ बेस है, यहाँ मेटल ऑक्साइड है, यहाँ सॉल्ट है, वाटर है, सॉल्ट है, वाटर है. यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस के जैसे होता है, ये हमने क्लास 8th में पढ़ रखा है. तो वी कैन से ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, राइट. तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा दीजिए आप एसिड से, या बेस की रिएक्शन करा दीजिए आप एसिड से, दोनों में कंपाउंड प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे सॉल्ट एंड वाटर. अच्छा, फिर एक देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम अगर बेस से करा दें, ठीक है, NaOH से करा दें, तो क्या होगा, ये कहना चाहते हैं. यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5. अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड. तो नॉन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोडक्ट ले लिए हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट ले लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं. यहाँ पे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ये लीजिए, ठीक है, और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, ये इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे. इसके पहले जो रिएक्शन देखी हमने उसमें जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसकी रिएक्शन कराते हैं जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है. यहाँ पे भी हमने जो रिएक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराई है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बना, वाटर बना है. तो सॉल्ट और वाटर कब बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है जब हमारी रिएक्शन एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है. आपको ये याद रखना, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दें, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट
बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करा दीजिए, अपोजिट अपोजिट लेके चल रहे हैं तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब इन दोनों की एसिड और बेस की रिएक्शन पर करा दीजिए, एसिड और बेस की रिएक्शन कराइए तो भी क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से आप इसको कंसेप्चुअल वे में लर्न कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको वर्बली सॉल्व कर लेते हैं। व्हाई शुड कार्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? ब्रास या कॉपर वेसल्स में हम खट्टे चीज़ों को, कर्ड वगैरह को क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि देखिए, सॉल्ट जो टेस्ट में होंगे वो होंगे एसिड, राइट? और एसिड अगर मेटल कंटेनर में हम रखेंगे तो हमें पता है कि मेटल से जब एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो स्पॉइल कर देगा फूड मटेरियल्स को, कर्ड को स्पॉइल कर देगा। और अगर हम ऐसे फूड मटेरियल या कर्ड को खाते हैं तो हमें स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल? अब एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है तो भाई हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे इसको हम कंफर्म करेंगे? बाय पॉप साउंड टेस्ट, हमने पहले देख रखा है यहाँ पे पॉप साउंड टेस्ट। एसिड की जब रिएक्शन होती है मेटल से तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखिए, ये मेटल है, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस निकला, इसको कंफर्म किया हमने पॉप साउंड टेस्ट से। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई मेटल कंपाउंड है ए, इसकी रिएक्शन HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रही है। अच्छा, इसमें फिर आगे क्या बन रहा है, प्रोड्यूस एफरवेसेंस, एक गैस निकलती है विच एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल, एक गैस निकल रही जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्स कर देती है यानी बुझा देती है। तो फायर एक्सटिंगसर के जैसे हम किसको यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, यानी कि वो गैस कौन सी होगी, वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। इसमें से एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। अब देखो, कैल्शियम भी है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ मेटल कंपाउंड है, मेटल कौन सी है, कैल्शियम। तो सॉल्ट बना है यहाँ पे, यानी HCl यहाँ से आया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट विल बी द मेटल कंपाउंड एंड रिएक्शन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। जब देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड से, हमें पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट विल बी प्रोड्यूस, तो इसको हम बैलेंस भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सेक्शन 2.1 व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन, सारे एसिड और बेस में कॉमन क्या है? तो सेक्शन नंबर 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. So hydrogen seems to be common to all acid. Let us perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic or not. तो ये एक एक्टिविटी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है क्या वो एसिडिक होते हैं, या कौन से कंपाउंड हैं जो एसिडिक होते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म की गई है। इस एक्टिविटी में क्या है, हमने ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये चार सॉल्यूशन लिए हैं और बीकर ले लिया 100 ml का। हमने फिर एक सेटअप लगा दिया इस तरह से, बैटरी कनेक्ट करके बल्ब लगा दिया, स्विच लगा दी, और इन दोनों को हमने इलेक्ट्रोड के थ्रू कनेक्ट करके सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब वन बाय वन हम इन चारों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे बीकर में, ठीक है। पहले जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो ये बल्ब जल रहा है, दूसरे केस में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो भी ये बल्ब जल रहा है, लेकिन जब हम ग्लूकोज इसमें ऐड कर ले रहे हैं इधर सॉल्यूशन में तो ये बल्ब नहीं जलता है। ऐसे ही जब हम अल्कोहल लेते हैं तो भी ये बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जब भी हम
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं या पास कराते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आयंस प्रोड्यूस होना चाहिए। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, H प्लस और एच एस ओ फोर टू माइनस में ये चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी आयंस प्रोड्यूस कर लेता है। ये क्या हो जाएंगे, ये कैटायंस हैं, ये एनायंस हैं। ऐसे ही एच सी एल की बात करेंगे तो एच सी एल भी कैसे चेंज हो जाएगा, एच सी एल विल चेंज इन टू एच प्लस आयंस और सी एल माइनस आयन। तो ये आयंस बना रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है, सी एल माइनस आयन बन रहा है। इससे क्या होगा, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होने लगेगी सॉल्यूशन में और बल्ब विल ग्लो। लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो इस एक्टिविटी से हम क्या शो कर सकते हैं, इस एक्टिविटी से ये शो कर सकते हैं कि एसिड्स जो हैं ये आयंस को कैरी करते हैं, दे कैन बी आयनलाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, दे प्रोड्यूस एच प्लस आयंस, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूरा इन्होंने रिपीट किया है। अच्छा, फिर बोला है रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम ये एक्टिविटी इसके साथ रिपीट करेंगे तो उस केस में भी क्या होगा, एन ए प्लस बनेगा और ओ एच माइनस आयन्स बनेंगे, क्योंकि जितने भी एसिड्स और बेस हैं, जैसे एसिड है तो ये क्या करेगा, ये एच प्लस आयन्स देगा एक्वस सोल्यूशन में, राइट, या एच थ्री ओ प्लस आयन्स देगा एक्वस सोल्यूशन में, और जो बेसिस हैं वो ओ एच माइनस आयन्स देंगे एक्वस सोल्यूशन में। तो वेन एवर द आयन्स आर प्रोड्यूस इन एक्वस सोल्यूशन, that means it is ready to conduct electricity, it is a good conductor of electricity. That is why we said bases and the acids are good conductor of electricity. Let's move to the next question, next topic. What happened to an acid or base in water solution? अब water solution में क्या होता है acid और base में, just I have told you that they produce ions in aqueous solution. Water में जब भी acid और base मिलाएंगे तो क्या होगा, आयंस बनेंगे, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे की है इन्होंने, क्या किया है, देखिए सोडियम क्लोराइड लिया है टेस्ट ट्यूब में और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है। अच्छा, रिएक्शन क्या होगी, जब सोडियम क्लोराइड में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, देखिए सल्फेट है यहाँ पे, यहाँ सोडियम है, तो क्या बना लेगा, यहाँ बना लिया इन्होंने सोडियम सल्फेट बना लिया, राइट। अब सोडियम जो सल्फेट है, सल्फेट यहाँ से आ गया, सोडियम यहाँ से आ गया, अब क्या बचा, सी एल बचा और यहाँ बचा क्या, एच, तो एच सी एल यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए इस पूरे केसेस में हमारे पास वाटर अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए जो एच सी एल है ये गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। अब ये जो गैस निकलती है यहाँ से HCl, इसके सामने अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर हमें पता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो जब ड्राई ब्लू लिटमस लेके जाते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता। अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्यों चेंज नहीं होता है? द सिंपल रीज़न इज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट, इट कैन नॉट बी डिसोसिएट इन H प्लस और Cl माइनस आयन, तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, इसीलिए ये ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज नहीं करेगा। अब सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, हम वेट लिटमस पेपर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वेट। अब जैसे ही हम लिटमस पेपर को गीला करेंगे उसमें क्या होगा, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो गैस के कांटेक्ट में आके रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या सिचुएशन बनती है, अब थर्ड सिचुएशन ये बनती है कि भाई ड्राई लिटमस पेपर आपने लिया है, HCl गैस निकल रही है, लेकिन जहाँ ये आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो वहाँ ह्यूमिडिटी कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर वेपर, वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वहाँ पे भी जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज
हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे ये आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये शो कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सो द एक्सपेरिमेंट बाय विच यू कैन प्रूव दैट द आयन्स आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट। तो यही एक्टिविटी आपको एलोबरेट करना है। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो अगर वाटर नहीं है तो HCl जो है वो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन्स ही नहीं बनाएगा। तो हाउ डज रिएक्शन विल टेक प्लेस, HCl वाटर की प्रेजेंस में H3O प्लस बनाएगा प्लस Cl माइनस बनाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन्स जो है वो H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस AQ और हाइड्रोनियम आयन, राइट। H प्लस प्लस वाटर इक्वल टू H3O प्लस। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव्स H3O प्लस और H प्लस AQ आयन इन वाटर। लेट सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। अब वाटर में अगर बेस डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये भी OH आयन्स बनाएगा और Na प्लस आयन्स बनाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। ये एक और बेस का एग्जांपल दिया हुआ है, ये थर्ड बेस का एग्जांपल दिया हुआ है। सिमिलरली बेसिस जनरेट ओ एच माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, वेयर एज एसिड जनरेट एस थ्री ओ प्लस और एच प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब सारे बेसिस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, सारे बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। कौन कौन से हैं वो एल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो आप, ये सारे जो हैं वो एल्कली की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, अब ये बता रहे हैं एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या होता है, एसिड का जो नॉन मेटेलिक पार्ट है और बेस का जो मेटेलिक पार्ट है, दोनों MX यानी सॉल्ट बना लेते हैं और वाटर यहाँ पे अलग हो जाता है। इसी को इन्होंने H प्लस ओ एच माइनस के फॉर्म में भी बताया है। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। ओके, टेक 10 ml वाटर इन बीकर, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 to 8 एंड स्वेल द बीकर स्लोली। टच द बेस ऑन द बीकर, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, इज द दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिपीट द एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सी इन ओवरऑल इन दिस कंसेप्ट व्हाट दे वांट टू टेल इज व्हेन यू आर एडिंग एसिड इन टू वाटर, राइट, और बेस इन टू वाटर, राइट। अगर आप वाटर में एसिड ऐड कर रहे हो या बेस ऐड कर रहे हो तो वो रिएक्शन किस टाइप की होगी, तो दोनों की दोनों रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगी, हीट निकलेगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन यू आर एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस। जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को या बेस को किसी वाटर में ऐड करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर आप एकदम से ऐड कर देंगे तो ये सब बारह सारा का सारा बाहर आ जाएगा। इसलिए प्रिकॉशनली क्या करते हैं कि इसको कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड और डाइल्यूशन ऑफ बेस। यानी कि जब भी बेस या एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, वो कैसे करते हैं, हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, याद रखेंगे DBD, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप। हम अगर एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को ऐड करेंगे वाटर में और उसको
चलाते जाएंगे यानी घोलते जाएंगे। भाई एक दो ड्रॉप हमने ऐड किया, अब जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या करेंगे, स्वेल करेंगे, घुमाएंगे, या सॉल्यूशन को एक रॉड के, ग्लास रॉड की हेल्प से चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हीट बनेगी वो पूरे उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, एकोमोडेट हो जाएगी। फिर और हम ऐड करेंगे, ऐसे करते करते हम उसका डाइल्यूशन करेंगे। एकदम से नहीं ऐड करना है, एकदम से ऐड करने पे स्प्लैश हो जाएगा सॉल्यूशन, फैल जाएगा, बिखर जाएगा और इससे हमें हार्म भी हो सकता है। ऐसे ही बेस के केस में करेंगे कि जब बेस को हमको ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस को डाइल्यूट करना है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसको सॉल्यूशन में ऐड, वाटर में ऐड करेंगे और उसको चलाते जाएंगे, स्वेल करते जाएंगे या स्टिर करते जाएंगे ग्लास रॉड के हेल्प से। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्ट्रेन। इफ वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो break due to excessive local heating. Look out for the warning sign on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellet. तो sodium hydroxide pellet और concentrated hydrochloric sulfuric acid की जो bottles हैं उनके ऊपर ये warning sign रहेगा। Okay. नेक्स्ट देखते हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द हाइट कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ और OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं, है ना, एसिड और बेस का डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। एसिड और बेस के डाइल्यूशन में हमेशा क्या होगा, अगर एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो पर यूनिट यानी पर यूनिट में जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो पर यूनिट में हम OH की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एसिड में मान लीजिए हम एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है, राइट, यानी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, है ना, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अगर मान लीजिए एसिड में हम एसिड मिला देते हैं तो क्या होगा भाई, H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, है ना, यानी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर बेस में वाटर मिलाते हैं तो OH आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, और अगर बेस में हम बेस मिला देते हैं तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दिस ऑल एक्सप्लेन इन दिस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर हेयर, व्हाई डू HCl HNO3 सो एसिडिक कैरेक्टर। भाई ये इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि ये डिसोसिएट होके H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल ग्लूकोज ये नहीं देते हैं, नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। व्हाई दे आर नॉट शोइंग एसिडिक कैरेक्टर, बिकॉज दे विल नॉट प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट प्रोड्यूस आयन्स H+ आयन और Cl- आयन, यू कैन से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड present in the form of gas and in the gaseous form it cannot be dissociate in H+ or Cl- ion. अगर ये gaseous form में है तो H+ और Cl- के form में dissociate नहीं होगा। It will only dissociate when water is present, यानी aqueous solution में ही ये dissociate होगा, right? That is why it is not changing the color of dry litmus paper. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। अच्छा, ये क्यों करते हैं कि हमें ऐड करना चाहिए एसिड को, नॉट वाटर को इनटू एसिड, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से क्या होगा, बहुत सारी हीट निकलती है, हीट निकलती है अगर एकदम से हम ऐड करेंगे तो हीट जो है उससे बर्न्स भी हो सकते हैं और हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वी शुड ऐड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसको ऐड करेंगे और घुमाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डाइल्यूटेड। अब अगर एसिड में हम वाटर ऐड कर रहे हैं यानी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व। अब OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या असर पड़ता है जब हम एक्सेस बेस को डिजॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ए बेस, और बेस में जब हम बेस ऐड कर रहे हैं तो OH आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। कोई भी एसिड और बेसिक सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता चलेगा। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड द बेस। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस आयन्स इन द सोल्यूशन। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग आ गिवन एसिड और बेस इज। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, या कोई भी बेस जो है वो कितना वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ थायमोल ब्लू, ब्रोमो थायमोल ब्लू, मिथाइल रेड और फिनेफ्थलीन। ये फोर इंडिकेटर्स आर मिक्स्ड इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये चारों इंडिकेटर को हम मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, राइट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक नेचर का है। यहाँ पे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक बार शो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, गैस्ट्रिक जूस जिसका कि पीएच 1.2 है, ये एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा, पीएच आपने पता होगा क्या होता है, पीएच अगर 7 है तो यानी वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। पीएच अगर 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो वो बेस कहलाएगा। एक्सट्रीम 14 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ऐसे ही अगर 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर 0 है तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें अलग अलग पीएच, अगर किसी जैसे लेमन जूस का पीएच 2.2 है, इसका कलर ऑरेंज होगा। गैस्ट्रिक जूस का कलर रेडिश ऑरेंज होगा। प्योर वाटर का कलर और ब्लड का कलर जो है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है तो इसका कलर ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो इसका कलर हो जाएगा पर्पल ब्लू या लाइट ब्लू। सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी बेसिक इन नेचर, सो इट्स कलर विल बी पर्पल और डार्क ब्लू। ओके, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, अ स्केल ऑफ फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन। जो पीएच है उसमें जो पी है वो उसका मतलब होता है प्रोटेंट जर्मन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है पावर। तो हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 यानी वेरी एसिडिक टू 14 दैट इज वेरी एल्कलाइन। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। पीएच मतलब सिर्फ एक नंबर है जिससे पता चलता है कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज पीएच। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका पीएच कम होगा।
pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH is represent as an acidic solution. अगर pH की value 7 से नीचे है तो acidic solution है, 7 के ऊपर है तो basic solution है. It represent an increase as the pH value increase from 7 to 14, it represent an increase OH minus ion concentration in the solution. That is increase in the strength of alkali. Generally, paper immersed with a universal indicator is used for measuring pH. तो pH को measure करने के लिए हम generally क्या करते हैं, universal indicator की paper strip को use करते हैं, जो कैसी होती है, इस तरह की होती है, that we have discussed. अच्छा, अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि जो blue shaded part है ना, ये hydrogen ion की concentration को क्या कर रहा है, represent कर रहा है. यानी 7 से 0 की तरफ जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है या सेडेड पार्ट जो है वो बढ़ रहा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. 7 से 14 की तरफ जो ब्लू सेडेड पार्ट है वो घट रहा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है. अब अगर हम यहाँ 13 पे देखें, मान लीजिए यहाँ 13 है, तो 13 पे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो वाइट कलर का सेडेड पार्ट है, ये OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऑन 13 अगर किसी सॉल्यूशन का pH 13 है तो वो किस नेचर का होगा, डेफिनेटली वो बेसिक नेचर का होगा. तो क्या उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे. क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, pH मान लीजिए 13 है, किसी सॉल्यूशन का pH 13 है तो बेसिक नेचर का होगा, दैट इज डेफिनेट. क्वेश्चन इज क्या उसमें एच प्लस आयन प्रेजेंट होंगे, तो योर आंसर शुड बी यस. यहाँ पे आप ब्लू सेडेड पार्ट देखेंगे है, इसका मतलब एच प्लस आयन प्रेजेंट हैं. लेकिन एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, लेस है. यानी लेस नंबर में एच प्लस आयन प्रेजेंट हैं, OH माइनस आयन मोर नंबर में प्रेजेंट हैं. दैट इज़ वाई द सॉल्यूशन विद द pH 13 विल शो द बेसिक कैरेक्टर. सिमिलरली इफ सपोज देयर इज अ सॉल्यूशन विद द pH 2, अगर pH 2 है किसी सॉल्यूशन का तो डेफिनेटली वो एसिडिक नेचर का होगा. तो क्या उसमें OH आयन प्रेजेंट हैं, तो योर आंसर शुड बी यस. यहाँ पे देखेंगे जो वाइट पोर्शन है ना, यहाँ पे OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज देयर, बट OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन विद pH 2. दैट इज वाई द सोल्यूशन विल रिफर्ड एज एसिडिक सोल्यूशन. क्लियर, इस पे क्वेश्चन बनता है. हेयर द टेबल इज गिवन, लेट्स सॉल्व दिस टेबल. हेयर इज द टेबल. सलाइवा बिफोर मील, इसका pH जो है वो 7.4 वीकली एल्कलाइन होता है, लेकिन आफ्टर मील देखेंगे तो 5.8 हो जाता है, एसिडिक हो जाता है. वाई इट इज हैपन, दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो आस्क मेनी टाइम्स. तो इसका रीज़न क्या है कि हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जब हम कोई चीज़ को खाते हैं, वैन वी टेक द फूड, वो बैक्टीरिया उस फूड से रिएक्शन करते हैं, शुगर विल बी प्रोड्यूस, और आफ्टर रिएक्टिंग दोज बैक्टीरिया ऑन द फूड दे प्रोड्यूस एसिड. तो सलाइवा आफ्टर मील विल बी एसिडिक. ओके, लेमन जूस pH इज 2.4, एसिडिक इन नेचर, द कलर इज पिंक. एरेटेड ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोक, पेप्सी, इन सब में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर का होता है, तो डेफिनेटली pH कितना होगा, 5 to 6, नेचर एसिडिक और कलर होगा येलो या ग्रीन भी हो सकता है. कैरेट जूस भी सेम pH सेम कलर के साथ होगा. कॉफ़ी जो है वो 5 होता है, एसिडिक नेचर का होता है, येलो कलर देता है. टोमेटो जूस ऑरेंज कलर देता है, एसिडिक नेचर का, 4.1. टैप वाटर जो है वेरी करता है, कहाँ से आपने टैप वाटर लिया है, 6.5 to 8.5, यहाँ 2 का रेंज लेके चलेंगे, न्यूट्रल हम इसको मान लेते हैं. 1 molar NaOH यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, इसका pH 14 होगा और कलर क्या हो जाएगा, पर्पल. ऐसे ही 1 molar HCl, इसका कलर रेड होगा और इसका pH होगा 1 और ये हो जाएगा एसिडिक इन नेचर. क्वेश्चंस आर देयर ऑन पेज नंबर 28, विल डिस्कस लेटर ऑन. लेट्स सी, यूनिवर्सल इंडिकेटर वी हैव डिस्कस्ड,
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे की लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का, वो हम देखेंगे। आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, और बॉडी वर्क विद इन द पीएच 7 to 7.8, हमारी बॉडी जो है वो इस पे वर्क करता है। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। 7 to 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली सर्वाइव इन ए नैरो रेंज, यानी बहुत ज़्यादा इसको वेरी नहीं कर सकते हैं भाई। 7 से 6.5 तक आ सकता है, 7.8 से भाई 8 तक जा सकता है, इसके बाद फिर प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगती हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 हो जाता है, इससे कम हो जाता है, देन द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। अब पीएच इसका लेस क्यों होता है, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, ऑल दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जब बारिश होती है तो ये रेन वाटर इनसे रिएक्ट करता है, दीज गैसेज विल डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्मिंग एसिड्स, कार्बोनिक एसिड बना लेंगी, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी, नाइट्रिक एसिड बना लेगी, है ना। तो अगर मान लीजिए ये एसिड ज़मीन पे आ रहा है, राइट, इट इज़ रेनिंग, व्हाट इट रेन्स, द रेन ब्रिंग द एसिड्स, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, अब जब ये एसिड रेन रिवर में जाएगा तो रिवर के पीएच को कम कर देगा, लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर। तो जहाँ वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे थे, द एनिमल्स विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द रिवर, दे यूज टू सर्वाइव इन ए डेफिनेट पीएच रेंज। अब वो पीएच रेंज एसिड रेन के ऐड होने से क्या हो जाएगा, एसिडिक साइड हो जाएगी, यानी उसका जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट, और इससे फिर क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो भी उस रिवर में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो ख़त्म होते जाएंगे। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिंक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वीनस की बात करेंगे तो इसका जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि एसिड है वहाँ पे। अच्छा, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, हम क्या करेंगे, प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेज एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.12। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल, पुट 2 gram ऑफ सॉइल इन टेस्ट ट्यूब, सेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो देखो, अगर इस पूरी एक्टिविटी में उन्होंने कहा कि यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट सैंपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सॉइल सैंपल्स, तो हम ये देखेंगे कि जो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो आइडियल पीएच रेंज है वो 5.5 से लेके 7 तक है, ठीक है, इस पीएच रेंज में जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए 5.5 से नीचे चली जाती है तो सॉइल कैसी, बिकम्स एसिडिक। अब सॉइल क्या होगा, एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक सॉइल हो जाएगी तो इसको हम किससे ट्रीटमेंट कराएंगे भाई, बेस से। बेस यानी क्या हो जाएगा, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर ले सकते हैं, स्लेग्ड लाइम ले सकते हैं, लाइम स्टोन ले सकते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो इससे जब हम ऐसी सॉइल को ट्रीट करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आप क्या ट्रीट करेंगे, या फिर एक सॉइल द फार्मर इज यूजिंग दीज सब्सटेंस इन द सॉइल, व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ सॉइल इज, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम,
इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक. इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. तो हमारे स्टमक वाल को वो हार्म नहीं करता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन. लेकिन जब हमें इनडाइजेशन होता है तो हमारा स्टमक ज़्यादा से ज़्यादा एसिड्स को प्रोड्यूस करता है और इससे हमें क्या होता है, अनइजीनेस होता है, अनकम्फर्ट होता है, इरिटेशन होने लगती है. टू गेट रेड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटा एसिड. तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड को यूज़ करते हैं. जनरली एंटा एसिड में हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे लिखा हुआ है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, 10 होता है. ये भी पूछ लेते हैं कई बार. वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. दीज एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को. नेक्स्ट देखते हैं, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5 से अगर नीचे पीएच हो जाता है हमारे बक्कल कैविटी का, माउथ का, तो फिर टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. यानी धीरे धीरे हमारे जो दांत हैं वो खराब होने लगते हैं. टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. अब कैल्शियम फॉस्फेट जो है, हमारे जो दांत की सरफेस है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है ना, इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. और यही सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है. बट इट इज़ कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5. लेकिन ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, अगर पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, यानी एसिड आ जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो ये फिर धीरे धीरे कोरोड होने लगता है ना. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. खाने के बाद अगर कोई फूड पार्टिकल हमारे माउथ में, बक्कल कैविटी में रह जाता है, तो उस पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, अटैक करते हैं और एसिड को प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज वॉश अवर माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक. अब टूथपेस्ट जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. फॉर क्लीनिंग टीथ कैन बी न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके. तो टूथ डिके आपको समझ में आ गया होगा. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर. हैव यू एवर बीन स्टिंग बाय हनी बी. बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विद कॉज पेन एंड इरिटेशन. तो कभी अगर आपको मधुमक्खी ने काटा हो या एंट ने काटा हो, चींटी ने काटा हो, तो जब वो काटती है तो उसके बाद एक इरिटेशन होता है, हमारी स्किन लाल होने लगती है. यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ. तो अगर हम बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर लें, लगा लें उस स्किन पे जहाँ पे हनी बी ने बाइट किया है या एंट ने बाइट किया है, तो हमें जो है वो आसान और कम्फर्ट मिलता है. इसका रीज़न ये है कि एंट बाइट और बी स्टिंग में जो मेथनोइक एसिड है ना, मेथनोइक एसिड को जनरली हम फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है. फॉर्मिक एसिड जो उसने छोड़ रखा है, तो एसिड के ऊपर जब हम बेस लगाते हैं तो उसका असर जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है. स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन. अब जो नेटल लीव्स होती हैं, इस तरह की होती हैं जो वाइल्ड में होती हैं, जंगलों में, है ना, नेटल प्लांट, इसकी जो लीव्स हैं ये कांटेदार होती हैं, तो आप इसके पास से निकलेंगी तो ये आपको चुभ जाएंगी, और चुभने के बाद ये वैसे ही इरीटेट करेंगी जैसे आपको बी स्टिंग ने इरीटेट किया था. अच्छा, मजे की बात ये है कि नेटल प्लांट के पास ही एक दूसरा प्लांट होता है जिसको कहते हैं डॉग प्लांट. ये होता बेसिक नेचर का. तो इसकी लीव्स को निकाल के हम वहाँ रब करते हैं जहाँ पे नेटल प्लांट की लीव्स ने हमें टच किया है या इरिटेशन क्रिएट किया है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाउ नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन. ओके, दीज आर सम एसिड्स एंड देयर सोर्स.
they may be asked in multiple choice questions. There are certain question. You have two solution A or B. pH of A is 6, pH of B is 8. तो A वाला हो गया acidic, B वाला हो गया basic. Which solution has more hydrogen ion concentration? 6 वाला have the more hydrogen ion concentration as it is acidic in nature. और B वाला is basic in nature. What effect does hydrogen ion concentration have on the nature of the solution? What effect does hydrogen ion? Hydrogen ion concentration अगर ज़्यादा है तो nature of the solution will be acidic. If hydrogen ion concentration is less, then the nature of solution will be less acidic or you can say more basic. Do basic solution also have H plus ion? बिल्कुल basic solution में H plus ions होते हैं, but their amount is very less as compared to OH minus ions. Then why are these basic? And that is why they show the basic character, because OH minus ion is more in the solution. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of field with quick lime? Calcium oxide, slag lime, calcium hydroxide, chalk, calcium carbonate. ऐसी कौन सी soil condition है जिसमें कोई farmer यानी किसान अपनी soil में calcium oxide, calcium hydroxide या calcium carbonate को add करेगा? तो ऑल दीज आर द बेसिक इन नेचर. सो इफ द सॉइल इज एसिडिक नेचर, दे विल एड, फार्मर विल एड द कंपाउंड विच सो द बेसिक नेचर. आफ्टर एडिंग दिस कंपाउंड विल ट्रीट द सॉइल एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट. सो फार्मर विल यूज दिस कंपाउंड, दे आर बेसिक इन नेचर. कुछ सॉल्ट फैमिली है इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये नाम दिए हुए हैं, दे आर सर्टेन नेम्स इन द ब्लू बॉक्स अबाउट द सॉल्ट. पीएच ऑफ द सॉल्ट, वेदर इज सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कैसे पता करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन किया, ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बनेगा. एग्जाम्पल देखो, एच सी एल की रिएक्शन अगर एच एन ओ थ्री एन ओ एच से हो जाती है तो क्या बन रहा है, एन ए सी एल बन रहा है. ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. अगर वीक एसिड है और वीक बेस है, दूसरे केस में अगर हम देखेंगे, है ना, इन सेकेंड केस वीक एसिड और वीक बेस है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. कैसे, जैसे वीक एसिड कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं एच टू सी ओ थ्री, वीक बेस जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इससे क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा. तो जिंक कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा. थर्ड केस देख लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने और वीक बेस ले लिया, तो जैसे वीक बेस में जिंक हाइड्रोक्साइड लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड में एच सी एल ले लिया है, इससे क्या बनेगा, सी एल और जिंक यहाँ से निकलेगा, क्या बनेगा, जिंक सी एल बनेगा, जिंक सी एल टू, जेड एन सी एल टू. अब जेड एन सी एल टू में जो सी एल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक. एक और केस देख लेते हैं कि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इस केस में क्या होगा, जो नेचर ऑफ द सॉल्ट है वो हो जाएगा बेसिक. जैसे वीक एसिड में मान लीजिए कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यानी एन ओ एच से करा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे वो देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट बना, से फॉर एग्जांपल प्लस वाटर बन गया, तो सोडियम कार्बोनेट का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. दिस इज ऑल एक्सप्लेन हियर. नाउ कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल. द कॉमन सॉल्ट दस ऑप्टेन is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder. ये common salts हैं जो हमारे daily use में आते रहते हैं, तो one by one हम इनको study करते रहते हैं, ठीक है. Now sodium hydroxide, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium hydroxide, sodium chloride, it becomes, it decomposes to form sodium hydroxide, thus the process called chloralkali process. अच्छा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, chloralkali process पढ़ रहे हैं,
ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया, ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या होगा, ब्राइन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्ट की, है ना, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्राइन सॉल्यूशन इज मोर। अच्छा, इसके अलावा एक और सॉल्यूशन का नाम कभी सुना होगा आपने, सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर जो है, जैसे ओशियन वाटर सेलाइन होता है, इसमें जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो एज़ कम्पेयर टू ब्राइन कैसी होती है, लेस, कम होती है, यानी ब्राइन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है और ब्राइन सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, देखिए क्या होगा, Na Cl है तो Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, है ना, प्लस। वाटर क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। अब देखो यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस क्या बन गया, NaOH बन गया। फिर H प्लस अकेला है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड। तो कैथोड पे हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब क्लोरीन नेगेटिव है तो ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। तो क्लोरीन हमें एनोड की तरफ मिल जाएगी। सो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस इज एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, वेरी यूजफुल प्रोडक्ट वी गॉट। जैसे हाइड्रोजन का यूज किस में होता है, वी कैन यूज हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, एज ए मार्गराइन। मार्गराइन मतलब आर्टिफिशियल बटर भी होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, एंड अमोनिया कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्लोरीन का कहाँ पे यूज होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल के डिसइंफेक्शन में, पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन में, एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो वी कैन यूज क्लोरीन। टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वी यूज क्लोरीन, एंड टू मैन्युफैक्चर पेस्टिसाइड्स वी ऑल्सो यूज क्लोरीन। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, इट कैन बी यूज एज ए डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर सोप एंड डिटर्जेंट, इट कैन बी यूज इन पेपर इंडस्ट्री एंड आर्टिफिशियल फाइबर इंडस्ट्री। सो ऑल दीज आर प्राइमरी यूजेज, रिमेंबर ये प्राइमरी यूजेज हैं इन सब के, डायरेक्टली वी कैन यूज। इन कॉम्बिनेशन ऑल्सो वी कैन हैव सर्टन प्रोडक्ट एंड देन वी कैन यूज़। से फॉर एग्जाम्पल जैसे एच और सी एल मिल के क्या बनाएंगे, एच सी एल बनाएंगे। एच सी एल का क्या यूज़ है, क्लीनिंग ऑफ स्टील, अमोनिया टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक एच सी एल इज़ यूज। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू प्रिपेयर द ब्लीच, राइट, and bleach can be used to bleach the household things and fabrics. Now here we will study one by one bleaching powder. kya hota hai bleaching powder, calcium oxychloride is called bleaching powder. ab ye kaise banta hai, dekhiye yahan jo chlorine gas bani hai na, chloralkali process mein jo chlorine gas banti hai, isko hum slaked lime se pass karte hain, then we will get calcium oxychloride and it is called bleaching powder. Where it is used? Use is already described here. अच्छा, अब next देखते हैं baking soda. What is baking soda? Baking soda को हम sodium hydrogen carbonate भी कह सकते हैं, sodium bicarbonate भी कह सकते हैं, right? How it is prepared? Prepare कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 reactant लिए हुए हैं। Sodium chloride से sodium आ गया यहाँ पे, H आया from hydrogen water, C आया from carbon dioxide, right? और अमोनिया से बन गया अमोनियम क्लोराइड। ओके, नाउ आफ्टर डू यू थिंक, डू यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.4? यस, इट इज बेसिक, है ना, ये बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी यूजफुल, राइट। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच ए स्टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है जो
बेकिंग सोडा और कोई एसिड के मिक्सचर से बन जाता है। क्या होगा देखिए, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट H प्लस से मिलके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, वाटर बना लेता है और सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, है ना। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसका क्या यूज़ है, इट इज़ यूज इन डिफरेंट पर्पस। से फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज एन इन्ग्रेडियंट इन एंटासिड, एंटासिड में भी इसको यूज करते हैं। बींग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक प्रोवाइड्स रिलीफ। इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंसर्स में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड सॉल्ट। कैसे बनाएंगे इसको, इट कैन बी प्रिपेयर बाय सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम वाटर से करेंगे, सिंपल डॉट लगा के ऐड कर देना है। वेयर इट इज यूज, सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स फॉर्मेशन। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इट कैन ऑल्सो यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट ड्राई। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे ब्लू कलर के होते हैं। और ये ब्लू कलर के होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है उसमें हमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो दैट इज़ वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू। जब हम इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में लेके, देन वॉट विल हैपन, दैट कॉपर सल्फेट लूजेज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड चेंजेज इन टू कॉपर सल्फेट ओनली विच इज़ ब्लू इन कलर। अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा। इसका कलर क्या होगा, वाइट कलर होगा। थोड़ी देर बाद इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे तो मॉइस्चर अगेन इसमें आ जाएगा, वाटर अगेन रीगेन कर लेगा और वापस इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। और फार्मूला इज चेंज इन टू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। सिमिलरली आयरन सल्फेट की बात करेंगे, ये भी पेल ग्रीन कलर का होता है। इसमें 7 नंबर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वॉशिंग सोडा जस्ट वी हैव स्टडी, 10 नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट में 1/2 नंबर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जिप्सम में 2 नंबर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कलर दोनों का वाइट होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो दैट इज व्हाट कॉपर सल्फेट इज हीटेड हेयर, इट कैन बी चेंज इन टू द वाइट कलर एंड वैन यू कूल इट अगेन चेंज इन टू द ब्लू कलर, दैट इज ओनली सोन हेयर। दिस इज ए टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। प्लास्टर ऑफ पैरिस देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पैरिस ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया था कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। इसको जब हम गर्म करेंगे एट 373 केल्विन, इसमें से क्या होगा, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। कितना वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स बचेगा, राइट। और आगे क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2 इज कॉल्ड POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, अब इसको क्या है, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्यों रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि अगर इसको लूज छोड़ देंगे तो वापस ये वाटर से रिएक्शन करके वापस जिप्सम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको एयर टाइट में रखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आता ही है।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस, द सेम रिएक्शन विच आई हैव टोल्ड यू, चेंजेज इन टू जिप्सम, दैट इज वाई कैप्ट इन द एयर टाइट कंटेनर. क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन के साथ हम किसको ट्रीटमेंट कराते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम को, है ना, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड सॉल्ट, वॉशिंग सोडा. व्हाट विल हैपन इफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंट पर्पस. गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ये रिएक्शन देख लेंगे आप. राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पैरिस एंड वाटर. प्लास्टर ऑफ पैरिस और वाटर की रिएक्शन ये दी हुई है. प्लास्टर ऑफ पैरिस वाटर ऐड हो जाएगा, जिप्सम फॉर्म कर लेगा. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इन चैप्टर नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. If any doubt, please comment on the comment box. Also comment the whether you understood or not understood, whether you like or not like, you please comment. Thank you so much for giving your precious time. God bless you.